दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मुकाबलों की एक दिवसीय श्रृंखला खेली जा रही है, जिसमें पहले मुकाबले में जीत हासिल करके टीम इंडिया खेल रही इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है। वहीं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में भी टीम इंडिया जीत हासिल कर सकती है, जिससे वो इस श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करके सीरीज पर कब्जा जमा लेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं दूसरे मुकाबले में कैसा रह सकता है टीम इंडिया का खेल। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और किरण पोलार्ड में से बेहतर कौन है? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के लिए पिछला कुछ समय काफी मुश्किल वाला रहा। एक तरफ जहां भारतीय क्रिकेट में विवादों का दौर छाया रहा, तो वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया में साउथ अफ्रीका की सरजमी पर बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में लगभग हर जगह भारतीय टीम की जमकर आलोचना होने लगी। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम ने शानदार वापसी करते हुए वेस्टइंडीज का खेला जा रहा 3 मुकाबलों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मुकाबलों में एक तरफा जीत हासिल की, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टीम को आगे से लीड करते हुए ये दिखा दिया कि वो आगे चलकर एक महान कप्तान की श्रेणी में गिने जाने वाले हैं। वहीं इस मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन करते हुए 4 सफलताएं अपने नाम की और इस मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पूरी वेस्टइंडीज की टीम को महज 176 रनों पर ही समेट दिया और इस लक्ष्य को भारतीय टीम ने केवल 4 खोकर हासिल कर लिया। टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दूसरा मुकाबला खेलेगी, जो 9 फरवरी को खेला जाएगा। अगर इस मुकाबले की बात करें तो एक बार फिर से टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे और वो दूसरे मुकाबले में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, जिसमें निजी कारणों के बाद अब भारतीय टीम के उपकप्तान केएल राहुल टीम इंडिया से जुड़ गए हैं, जिन्हें ईशान किशन की जगह टीम में शामिल किया जाएगा। और इस मुकाबले में भी भारतीय टीम के गेंदबाज दमदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज की टीम को एक बार फिर से ऑल आउट कर सकते हैं, जिसमें हमें काफी समय बाद टीम इंडिया में वापसी करते हुए कुलदीप यादव 2-3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाते हुए दिख सकते हैं। वहीं उनके साथ युजवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर भी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। वेस्टइंडीज की तरफ से उनके ओपनर बल्लेबाज शाई होप अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं और वो भारतीय टीम के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में अर्धशतक लगा सकते हैं। वहीं अंत में जैसन होल्डर की अच्छी बल्लेबाजी की बदौलत वेस्टइंडीज की टीम लगभग 250 रन का लक्ष्य टीम इंडिया को दे सकती है। दोस्तों, 250 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम आसानी से हासिल कर सकती है, जिसमें एक बार फिर से टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं और इस मुकाबले में वो शतक लगाते हुए भी दिख सकते हैं। वहीं पिछले मुकाबले में जल्द आउट होने वाले विराट कोहली भी टीम इंडिया की जीत में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से विराट कोहली का बल्ला अच्छी तरीके से नहीं बोला है, जिसकी वजह से उन पर एक अच्छी पारी खेलने का दबाव है और इस मुकाबले में वो एक बेहतरीन पारी खेल सकते हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे और अंत तक बल्लेबाजी करके टीम इंडिया को जीत दिला सकते हैं। अगर बात करें वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की, तो उनकी तरफ से जैसन होल्डर और अकेला हुसैन टीम इंडिया के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, हालांकि फिर भी वो वेस्ट इंडीज को जीत नहीं दिला पाएंगे। दोस्तों, टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पिछले कई सालों से कोई सीरीज नहीं हारी है और इस बारे में ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम अपनी सरजमी पर कैरिबियाई टीम का सूपड़ा साफ कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगले मुकाबले में वापसी करते हुए टीम इंडिया के उपकप्तान केएल राहुल शतक लगाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।